हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद द मॉम कनाडा। तो आज आप देख रहे हो कि मैं एक ट्रेडिशनल लुक में रेडी हुई हूँ। मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस डाली है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ वैंकूवर। वैंकूवर के गुरुद्वारा में बैसाखी का फेस्टिवल है, तो आज हम वहाँ पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे बैसाखी कैसे सेलिब्रेट की जाती है। वैसे तो बैसाखी 14 अप्रैल या 13 अप्रैल को मनाई जाती है इंडिया में, बट यहाँ पे क्या होता है कि जनरली जो फेस्टिवल्स होते हैं वो वीकेंड्स को सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि वीकेंड्स को ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो फ्री होते हैं। तो इसलिए आज हमारे यहाँ पे सैटरडे है, तो आप भी हमारे साथ एंजॉय करिएगा। तो चलिए जा रहे हैं गुरुद्वारा में। हमें पार्किंग थोड़ी दूर मिली है तो चल के जाना पड़ रहा है, थोड़ी देर हमें चलना पड़ेगा। मेरे साथ मेरे हस्बैंड हैं। हम पहुंच गए हैं बैसाखी फेस्टिवल पे। देखिए कितनी भीड़ है। देखिए कितनी भीड़ है क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस खुल गई हैं। तो मेरा ये फर्स्ट फंक्शन है कनाडा में, रिस्ट्रिक्शन क्योंकि खुली है, ऐसे क्राउड को भी परमिशन मिल गई है इकट्ठे होने की। तो आप देखिए खाने पीने की अब यहाँ पे बहुत मौज है। कभी कहीं पे ब्रेड पकौड़े लगे हुए हैं, बदाना मिल रहा है, दही भल्ले हैं, दही भल्ले, हलवा, सारा कुछ खाने को मिल रहा है, बट पेट भर गया। अब क्या क्या खाएं? हम अब फुल हो गए, अब हम वॉक करेंगे थोड़ी सी और एंजॉय करेंगे। हाँ जी राज, क्या खा रहे हो आप?
बहुत कीमती है। क्या है ये? दही मल्ला। पता है क्यों कीमती है? क्यों कीमती है? कम से कम आधा घंटा वेट किया इसके लिए। बहुत भूख लगी थी, हम इतना घूमे। बहुत कीमती है, चैन पड़ गया। ये देखिए जी, आज पता है आपको क्या हुआ? एक बड़ा ही ऑनरेबल मोमेंट था हमारे लिए। मैं एक किसी मिनिस्टर से मिली हूँ, वो डिफेंस मिनिस्टर थे, और मतलब आप समझ नहीं सकते मैं कितनी खुश हूँ। हमने उनके साथ पिक्चर्स करवाई, ही वॉज सो हम्बल पोलाइट, कोई उनमें ऐसा नहीं था कि मैं बड़ा ही पोलाइट विद अस। मैं अभी भी उसी खुशी में हूँ, मुझे बार बार वो मोमेंट याद आ रहा है। आप जान के हैरान हो जाओगे, वो थे डिफेंस मिनिस्टर, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सिंह सज्जन। Can you imagine that? मैं आपको दिखाती हूँ, हम फिर से एक लाइन में लग गए हैं दोनों। ये देखिए जी कितनी लंबी लाइन है, मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए ये यहाँ से शुरू हो रही है, वो दूर तक जाएगी। देखा कितनी लंबी लाइन है? पता है किस चीज की लाइन है? जिशन आप बताओगे किस चीज की लाइन है? ये है शुगर केन जूस, गन्ने का जूस। गर्मी हो गई है यहाँ पे, तो पहले तो हम इस लाइन में लग नहीं रहे थे, मैंने कहा बहुत लंबी लाइन है, बट गर्मी है, गन्ने का जूस पीने का मन है, तो इंडिया का नज़ारा लेंगे यहाँ पे हम, गर्मियों का गन्ने का जूस। फाइनली हमें गन्ने का जूस मिल गया है, इतनी लंबी लाइन थी ना। बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। फर्स्ट टाइम गन्ने का जूस इन कैनेडा। आप कभी? यस, मैंने पहले सोचा था सनी में जाके पीऊंगा, ये तो वैंकूवर में मिल गया, ये लंगर लगाए हुए परदेशों में भी मशहूर है। ये लंगर प्रथा अच्छी है, अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें खाना नहीं मिलता तो वो गुरुद्वारे में आके खा सकते हैं, हेल्प होती है ना, तो फ्री फूड मिलता है सबको, सेवा करते हैं। तो हमें आज यहाँ बैसाखी के मौके पे आकर फर्स्ट टाइम बैसाखी वैंकूवर सेलिब्रेट करके बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया। टोटल फूड्स की यहाँ पे 18 स्टॉल्स थी, अभी पता नहीं क्या क्या था, हम सब घूम गए। दो तीन पे तो पिज़्ज़ा ही थे, छोले भटूरे मिल रहे थे, दही मल्ले थे, टिक्की थी, बहुत कुछ खाने को था, सबने इंजॉय किया। बड़ी बड़ी लाइनें थी, मक्की की रोटी, सरसों का साग भी था, मैं वीडियो बनानी उसकी रह गई क्योंकि थक गए थे और भूख लगी थी, तो जल्दी जल्दी खा गए। लाइन तो बहुत लंबी थी और बहुत अच्छा था ये हमारा। तो आप भी बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग, और keep watching my channel, like, share and subscribe Rhythm of Canada, and be ready for the next video.